के पेट के स्कोर की क्या महत्व है, जब इस प्रकार की मैं वीडियो लेकर आता हूं तो आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि सर कॉलेज क्लर्क की भर्ती के बारे में आप बोलते हो कि कॉलेज में जो क्लर्क होते हैं ना, एडमिशन होना है उसका, कंप्यूटर पे चढ़ना है, और फिर जो बोर्ड होते हैं, भाई कोई भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी बोर्ड इत्यादि से संबंधित होते हैं, तो जो बोर्ड होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें उनका डेटा भेजना, वहां से मार्कशीट आती है, तो आप देखते हो कॉलेज में आप पढ़ते हो आपके बहुत सारे काम होते हैं जो क्लर्क करता है। पिछले कई सालों से क्लर्क की भर्ती नहीं हुई, और ये विशेष तौर पर कौन से इस कॉलेजों की बात हो रही है, हम यहां पर एडेड अर्थात सहायता प्राप्त कॉलेज की बात कर रहे हैं। दो प्रकार के कॉलेज होते हैं, एक पूरी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज और एक साथ ही सहायता प्राप्त गवर्नमेंट कॉलेज, समझ रहे, एडेड जिसे बोलते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें जो क्लर्क की भर्ती है ये बहुत दिनों से, कई सालों से नहीं हुई, तो इसी के पद से संबंधित आज एक खबर प्रकाशन में आई है, तो उसको हम लोग आपको बताते हैं, फिर इसके बारे में क्या इसकी आयु होगी, क्या इसमें प्रोसीजर होगा, इस सब के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात ये आज की खबर है 6 सितंबर की, पहले तो इस पर ध्यान दें। एडेड कॉलेजों में लिपिकों के 1621 पदों पर होगी भर्ती, लिपिक मतलब क्लर्क, एडेड मतलब सहायता प्राप्त कॉलेज। प्रयागराज से खबर है, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, अब यहां पर कॉलेज लिख रखा है, यहां पर माध्यमिक विद्यालय लिख रखा है, मुझे लगता है माध्यमिक विद्यालय तो हमारे प्रदेश में ज्यादा होंगे, कॉलेज की बात है, लिखने से गलती हुई है। 1621 रिक्त पदों पर शिक्षा निदेशालय ने सभी 18 मंडल से रिक्त पदों की सूचना एकत्र इकट्ठी करने के बाद शासन को भेज दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग UPSSC जिसे आप कहते हैं, की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आधार पर 13 साल बाद, 13 साल मतलब ये भर्ती नहीं हुई, उत्तर प्रदेश का हाल आप देख सकते हैं, इन स्कूलों में बाबुओं की भर्ती होगी। बाबू इसका पद का नाम होता है, बाबू पद का नाम भी होता है। विशेष सचिव डॉक्टर वेदपति मिश्र ने 4 जुलाई को चयन प्रक्रिया संबंधी शासन आदेश जारी किया था। प्रबंध तंत्र को 19 सितंबर तक विज्ञापन जारी करने का आवेदन लेना है, 19 सितंबर तक आवेदन लेना है, और आवेदक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची PET के आधार पर तैयार करनी है। एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची 28 नवंबर तक DIOS को भेजी जाएगी। अब यहां पर कई सारे पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे, एक तो ये इंटरव्यू वाला पॉइंट आ गया कि भाई ये क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू तो खत्म कर दी गई, ग्रुप बी की पोस्ट तक के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल ग्रुप ए के लिए इंटरव्यू होता है, मोदी जी ने सबसे पहले आते ये काम किया था, तो यहां पर ये इंटरव्यू कैसे हो गया। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती पेट से सीधी हो सकती है, ग्रुप डी की भर्ती, अगर ये ग्रुप सी की पोस्ट है क्लर्क की तो फिर ये सीधी क्यों होगी, इसमें तो आप एक और टेस्ट लेंगे। ये दो चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस आधार पर उनको चयन करेंगे, चयन का आधार सही से नहीं बताया। 6 सितंबर 19 सितंबर तक विज्ञापन इतनी जल्दी जारी हो सकता है क्या, क्या 10 दिन में, 10 दिन ही बचे लगभग, क्या इनकी तैयारी ऐसी है, यह देखने वाली बात होगी। 28 नवंबर तक यह भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जानी है, यह छोटी मोटी इसके संबंध में बातें। वापसी करते हैं इसकी, समझते क्लर्क की, देखो ज्यादातर जो भर्तियां अनुमानित बता रहा हूं कि जब तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं आई तो अनुमानित या संभावित क्या हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपके मन में उठ रही जिज्ञासा थोड़ा इसी शांत हो जाए। संभावित आयु की बात करें, एज, तो ये क्लर्क की जो पोस्ट है स्टेनो UPSSC जो अन्य लेखपाल वगैरह की भर्ती कराती है लगभग उसी के बराबर है, तो एज इसमें 18 से 40 ही होगी, कम से कम 18 अधिकतम 40, और SC ST OBC इत्यादि को छूट, तो 90% चांस है लेखपाल में भी यही थी, आपकी आयु यही रहने की उम्मीद है। सेकंड बात आ जाती है शैक्षिक योग्यता, कि इसमें पढ़ाई लिखाई कितनी, ये साथी मेरे विचार में क्लर्क की पोस्ट है, साथ में टाइपिंग मांग रखी है, तो चांसेस है 12th, 90% चांस है कि 12th होगी, 10% चांस है कि 10th भी हो सकती है, ये अनुमानित है, क्योंकि 13 साल से नहीं निकली तो आप इतना वो नहीं बता सकते, 13 साल पुराना नोटिफिकेशन खोजकर। 12वीं चांसेस है क्योंकि क्लर्क की है, साथ में कंप्यूटर टाइपिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर
कंप्यूटर टाइपिंग, ये एक यहां पर महत्वपूर्ण इनकी ओर से और एक शैक्षिक योग्यता हो सकती है। तो आयु हो गई शैक्षिक योग्यता। अब इनका जो चयन की प्रक्रिया है,